ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। संसद के शीतकालीन सत्र काली ले शुरू होही। एकर बार आज जम्मो दलमन के बैठका हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी है बैठका के बाद बतायन कि सरकार हर मुद्दा ऊपर गोट बात पर तैयार है। श्री जोशी है बतायन कि संविधान दिवस के मौका में इस महीना के 26 तारीख के दोनों सदन के विशेष संयुक्त बैठका बुलाये के कार्यक्रम है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बने व्यवहार और नवाचार मन पर उच्च फोकस राज्य की श्रेणी के तहत छत्तीसगढ़ ला पहली पुरस्कार मिले है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चला छठवां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन है, राज्य के स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह और मिशन संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ये पुरस्कार दिन। पहली स्थान पर 7 ठीन मापदंड आधार बनाए गये रही। ये जम्मू आधार ल छत्तीसगढ़ राज्य पूरा करके पहली स्थान बनाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है प्रदेश ल प्रथम पुरस्कार मिले ऊपर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन बधाई दे हवे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है केंद्र सरकार ले बायो फ्यूल के क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश प्रोत्साहन नीति ल आगू बढ़ाए बर मदद करे की विनती करे है। उमन धान ले बने जैव एथनॉल के उत्पादन पर कम ले कम 10 बछर के मंजूरी दे जाए के मांग करे है। श्री बघेल है आज नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ले उखर घर में भेंट करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री है केंद्रीय मंत्री ले एनएमडीसी के क्षेत्रीय मुख्यालय ल बस्तर में राखे के मांग करीन। उमन गैर प्रबंधकीय पद मन में इन्हें के लोगन मन ल रोजगार देवाये और बस्तर क्षेत्र के विकास ल बढ़ावा दे ऊपर घलो विचार करे के बात कहीन। केंद्रीय मंत्री है मुख्यमंत्री के मांग ल गंभीरता लेवत मदद के भरोसा दिवाइन। प्रदेश के आने आने जिला मन में धान के अवैध परिवहन करिया 63 गाड़ी मन के संग करीबन 20,000 क्विंटल धान के जब्ती करे गये है। गलत ढंग ले धान के परिवहन करैया मन के 190 ठीन प्रकरण बनाए गये है। इतिहास धमतरी जिला के अर्जुनी पुलिस है अवैध परिवहन करत 150 कट्टा धान जब्त करे है। मामला में पुलिस है एक जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। उति महासमुंद जिला में घलो धान के अवैध परिवहन करैया मन के खिलाफ कार्रवाई चलत है। ये दौरान जिला में 883 कट्टा धान के जब्ती करे गये है। जिला में अवैध धान के अवैध जवेले रोके बर 17 जगह में जांच चौकी बनाए गये है। राज्यपाल अनुसुईया उइके है आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के 144वां जयंती के मौका में बिलासपुर के पिंडरा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र में बढ़िया काम करैया लोगन मन ला सम्मानित करेगी। कार्यक्रम ला राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते घलो संबोधित करीन। सुनैया मल्ला बता दन कि समसामयिक विषय पर आधारित हमार साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में मां ए बार महिला सशक्तिकरण और ओखर उत्थान ऊपर काम करत रुक्मणी चतुर्वेदी ऊपर केंद्रित रही। रुक्मणी चतुर्वेदी ला हालेच में राजधानी रायपुर में राखे गये राज्योत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है राज्य स्तरीय मिनी माता सम्मान ले सम्मानित करीन। एक और बात के प्रसारण आज रती है 8:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर ले करे जही। जिला प्रदेश स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र मन रिले करही। बिलासपुर में आज 42वां राउत नाच महोत्सव मनाया जात है। शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में चलत ये महोत्सव में हजारों की संख्या में यदुवंशी मन के टोली नाचत गावत बने सुग्घर ढंग ले यहां अपन प्रदर्शन करत है। जानबा के मुताबिक बिलासपुर में राउत नाच महोत्सव की शुरुआत बछर 1978 ले हो है। प्रदेश के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता डॉ नरेन्द्र देव वर्मा के गोसाइन तारा वर्मा ला राज्य सरकार है सम्मानित करे है। संस्कृति विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह श्रीमती वर्मा ले उकर घर में भेंट करके उमन ला सम्मानित करीन। अब थोरगुन समाचार सारमा। उच्चतम न्यायालय के रिटायर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम के अगुवाई में गठित छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा समिति है आज जगदलपुर में पत्रकार मन के सुरक्षा ल लेके पत्रकार और पत्रकार संगठन मन ले कानून के प्रारूप ऊपर गोट बात करके उखर मन ले सुझाव मांगीन। महासमुंद जिला के पिथौरा में राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करके जमीन के खरीद बिक्री के मामला में पुलिस है एक झीन पटवारी के संग 4 झीन लोगन मल्ला गिरफ्तार करे है। सरगुजा संभाग के लुंड्रा क्षेत्र में दतैल हाथी के दल गांव कुकुर ढोही में 5 ठीन मवेशी मल्ला मार डरीन। उन्हें 3 ठीन घर लघलो नुकसान पहुंचा है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर डहरले काली पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के आयोजन करे जही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।